हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे साथ है मिस्टर कुणाल और ये ओन करते हैं मारुति डिज़ायर और इनसे हम पूरा इनका मारुति डिज़ायर का ओनरशिप एक्सपीरियंस जानेंगे। कब इन्होंने ली है, कितने में ली है, क्यों ली है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, सब कुछ जो होता है ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तो हेलो भाई, अपना थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दो, नाम वगैरह बोल दो। हाय, मैं हूँ कुणाल। ओके, मैं ये मारुति सुजुकी 2019 में लिया था मार्च में। तो मार्च से पूरा हमारा गाड़ी 6 मंथ्स गैरेज में ही था। अच्छा, क्यों? हाँ, गैरेज में ही था 6 मंथ्स वो लॉकडाउन के लिए। अच्छा, मतलब आपने 2020 में लिया था ना? मतलब हाँ 2020 में लिया। तो लॉकडाउन की वजह से कार चली नहीं थी एकदम। अच्छा, आप बताओ 2020 में आपने ये लिया था तो आपने डिजायर ही क्यों लिया था? आपके पास अगर सेडान ही लेनी थी तो और भी ऑप्शंस थे, ह्यूंडई ऑरा उस वक्त तो खैर नहीं थी, टाटा टिगोर वगैरह वो सब। उस टाइम हुंडई का वेनू भी निकला था, लेकिन मेरा अंकल को ये बहुत पसंद आया था। अच्छा, उसका कलर भी बहुत पसंद आया था, शोरूम में डिस्प्ले किया था शोरूम वालों ने, तो उसके लिए हमें ये डिजायर ले लिया। अच्छा, मतलब और कोई ऑप्शन आपने देखा ही नहीं, यही पसंद आ गया, यही ले लिया। ओके, तो 1.5 साल में आपने कितनी चला दी है कार टोटल? अभी ये अभी करीब करीब 4,000। 4,000 मतलब बहुत तो ही कम चली। हाँ, 6 मंथ्स और ये सेकंड लॉकडाउन में भी बहुत दिन गैरेज में ही था। हाँ, लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा नहीं चली जा रही अभी तक। अच्छा, आप ये बात बताओ, मारुति में आपने इसकी कोई सर्विस वगैरह करवाया है, पेड सर्विस? पेड सर्विस तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन थर्ड सर्विस में मोबिल चेंज हुआ है, तो उस टाइम में वो हमारे से थोड़ा बहुत चार्ज किया है मोबिल के और कूलेंट के। हाँ, कितना लिया थर्ड सर्विस में उन्होंने? अराउंड 3,500। अच्छा, हाँ मेरा भी वैसे ही लगा था ऑलमोस्ट। ठीक है, अब पॉजिटिव्स की बात करते हैं, आप बोलो कि आपको, आपने जो ये लिया है, आपको डिसीशन परफेक्ट लगता है आपका? किन किन वजह से लगता है कि आपने जो पैसे खर्च किए इस पे वो वर्थ इट है? इस गाड़ी में बहुत कंफर्ट है। हाँ, कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सेडन में बहुत अच्छी गाड़ी है ये, और इसका प्राइस भी सही है और इसका इंजन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है। ठीक, अच्छा है, लॉन्ग में भी बहुत अच्छा दे देता है, माइलेज भी अच्छा देता है। कितना माइलेज आप निकाल लेते हैं इससे? लॉन्ग में ये 17-18 दे देता है। 17-18 हाईवे पे दे देता है। अच्छा, लोग तो बोलते कि 20-25 तक निकाल लेते हैं। नहीं, ये गाड़ी वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं क्या? जो बोलते हैं 17-18 से ऊपर नहीं देता है। और सिटी में कितना आपको मिलता है एवरेज? सिटी में तो जो ये लोगों ने बोला था इससे बहुत कम देता है। सिटी में कंपनी वाले ने बोला था 15-16 देंगे, सिटी में ये करीब करीब 12-13 देता है। अच्छा, इतना कम? 12-13? हाँ, आप किसका बहुत रैश चलाते हो क्या, एकदम फुल पंजा दबा के एकदम खींच रहे हैं? इधर पे बहुत कंजेस्टेड एरिया है ना। अच्छा, तो बिल्कुल हैवी ट्रैफिक में। हाँ, हैवी ट्रैफिक में चलता है तो 13-13 ही देता है, 12-13 ही देता है, और हल्का फुल्का ट्रैफिक होता है सिटी में तो ये 14 के आसपास दे देता है। अच्छा, ये बताओ इसमें जो अपने को कंपनी की तरफ से हेडलाइट मिलते हैं, इनका आपको रिस्पांस कैसा लगता है? देखो, इनमें कोई वो प्रोजेक्टर वगैरह तो है नहीं, ये नॉर्मल वाइट येलो लाइट्स है। नहीं, हमने कंपनी से जब गाड़ी लिया था तो इसका हेडलैम्प पे जो बल्ब है, अच्छा वो बल्ब हम लोग चेंज कर दिए थे। अच्छा, हाई पावर का बल्ब लगाया हुआ है इधर पे जो बल्ब है ना, इसको हाई पावर बल्ब लगाया हुआ है, फॉग लाइट भी हमने लगाया है। अच्छा, ये अपने बाहर से लगवाया फॉग लाइट? अच्छा, बाहर से मतलब कंपनी फिटिंग। हाँ, मतलब ये इनबिल्ट नहीं आता था ना अपने? इनबिल्ट नहीं आता, कंपनी फिटिंग है सभी। तो आपने जब शुरू में ये जो हेडलाइट्स आप बोल रहे थे आपने चेंज किया, तो एकदम कंपनी से जो एकदम शुरू में आता था वो आपने चलाया है, आपने टेस्ट किया, या फिर गाड़ी लेते ही आपने बदल दिया? गाड़ी लेते ही बदल दिया। अच्छा, टेस्ट बेस कुछ नहीं किया, गाड़ी लेते ही बदल दिया, हाई पावर का लैंप लगा लिया। हमारा गाड़ी लॉन्ग में चलता है ज्यादा, लॉन्ग में हम लोग जाते हैं, तो इसलिए हम लोग ने कोई रिस्क नहीं लिया और चेंज कर दिया बल्ब, हाई पावर का बल्ब लगा दिया। ओके, तो कार की एसी कैसी लगती है आपको, पावरफुल लगती है? हाँ, एसी बहुत अच्छा है। चलो अंदर बैठते हैं, जरा स्पेस वगैरह भी दिखा देते हैं। ये आ गया अंदर। आपकी हाइट कितनी हो जाएगी? 6 फुट 6 फीट हाइट है ना? अब बिल्कुल फुल कंफर्टेबली बैठे हैं? हाँ, आपकी जो ड्राइविंग स्टाइल है उसी हिसाब से एकदम। चलो मैं भी 6 फीट का हूँ, मैं भी जरा पीछे बैठ के दिखा देता हूँ अपने को कैसा इसमें स्पेस वगैरह मिलता है। ये बैठे, मेरी भी 6 फीट हाइट है। ये देखो, मेरे पास अभी भी लेग रूम बाकी है, नी रूम वगैरह भी बिल्कुल।
सही अपने को इसमें मिल रहा है। हम भी पीछे ही बैठे हैं। अच्छा आप भी पीछे बैठते हो। हाँ। अच्छा आप बताओ इसका जो एसी आपने बोला पावरफुल है, ये जो पीछे अपने को रियर एसी वेंट्स मिलता है, ये इफेक्टिव आपको लगता है? हाँ हाँ, ये भी इनका कूलिंग सही है। हाँ, कूलिंग अब थोड़ा देर बैठोगे तो पूरा चिल्ड हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, पीछे से। हाँ तो आप बताओ आपको इसका इंटीरियर जो डैशबोर्ड डिजाइन वगैरह है ये कैसा लगता है? ये डैशबोर्ड तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। हाई फाई कार में बैठे हैं, जो वुडन फिनिश है वो बहुत ही अच्छा लगता है, प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। तो आपने कोई इसमें एक्सेसरीज क्या लगवा रखे है? बेसिक छोड़ के, बेसिक मैट सीट कवर वो स्टीयरिंग कवर इनको छोड़ के कोई हाई फाई कुछ लगवाया है लोग जो लगवा लेते हैं? एक्सेसरीज तो अभी कंपनी के लोगों ने बोला है, इलेक्ट्रिक जो है ना, इलेक्ट्रिक जो बाहर से फिटेड आता है इलेक्ट्रिक कोई चीज। अच्छा। तो हमने वो नहीं लगाया, अगर कोई बड़ा छोटा एक्सीडेंट हो जाए ठीक है, और इलेक्ट्रिक के लिए अगर हमको इंश्योरेंस नहीं क्लेम करेगा वो तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फिटेड नहीं रहे। और पुलिस का भी झमेला है इधर पे कलकत्ता पे। वो तो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फिटिंग्स नहीं लगाया है। ठीक है, पर आपने कहा कंफर्ट बहुत बढ़िया है। आपके घर में नॉर्मली कितने लोग बैठते हैं कार में आप जब चलाते हैं? मैक्सिमम कितने बंदे? पांच बंदे बिठाए आपने? हाँ हाँ, पांच बंदे आराम से जाते हैं। कोई कंफर्ट के मामले में कंप्लेन करता है कि स्पेस कम है या फिर गड्ढे ज्यादा महसूस? इसका सस्पेंशन आपको कैसे लगता है, मतलब गड्ढे वगैरह? सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल में बाएं तरफ के टायर से सस्पेंशन में थोड़ा थोड़ा आवाज आता है, वो सर्विसिंग में ले जाएंगे, देख लेंगे, वो टेस्ट करना पड़ेगा। और आप कुछ, चलो अच्छी बात ही तो बहुत हो गई, आप कुछ नेगेटिव बता दो कार के बारे में। नेगेटिव इस कार में क्या बोले, नेगेटिव देखो आपको सोचना पड़े, मतलब आप कार लेके सैटिस्फाइड हो? सैटिस्फाइड तो है, यही मेन है, सैटिस्फाइड लेना चाहिए, होना चाहिए लोगों का, पैसे लगा रहे हो इतना आपको सैटिस्फाइड होना तो चाहिए। बिल्ड क्वालिटी थोड़ा खराब है, अगर ये इसी बात को लेके मारुति को लोग टोल वगैरह करते देखोगे तो ये सब काफी हल्की क्वालिटी का ना, दब जाता है आप दबाओगे तो। और बाहर आपको कैसा एक्सीडेंट वगैरह हुआ है जिससे आप बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा ले सकते हो? थोड़ा बहुत वो डेंट हुआ है गाड़ी हाईवे में, थोड़ा एक टाटा एस ने थोड़ा सा साइड से जाने के लिए एक्सीडेंट कर दिया था। अच्छा, तो छोटा छोटा डेंट हुआ है, तो इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छा है और थोड़ा बहुत खराब भी है। लेकिन इंजन इतना अच्छा है, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है नहीं? सब कुछ तो परफेक्ट नहीं मिलेगा। इंजन बहुत अच्छा है, इंजन में अगर आप फास्ट गियर में प्रेशर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ओवरऑल वैसे सेटिस्फाइड है ना कार लेके? एक्सीलरेशन बहुत अच्छा मिलता है, एक्सीलरेशन अच्छा मिलता है आपको। अच्छा अच्छा, आप बताओ आपने डिजायर लिया, आपने ये कॉम्पैक्ट सेडान लिया, वैसा कोई रिक्वायरमेंट था कि अपने को सेडान ही लेनी है? नहीं नहीं, हमारा जो पापा है, पापा ने बोला था हमने छोटा कोई गाड़ी लेना है। अच्छा। तो छोटा गाड़ी लेने के लिए ही हम गए थे, हम वगनर लेते थे, लेकिन हमारा अंकल हमारे साथ गया था और अंकल के ये पसंद आया ठीक है। अच्छा। तो हम बड़ा गाड़ी ले लिया, हमारा फर्स्ट चॉइस एसयूवी था। अच्छा। लेकिन ये ले लिया, पसंद हो गया, ले लिया। अच्छा, इस बजट में तो वैसे बलेनो भी आ जाती थी है ना, और आपके दोस्त के पास भी ग्लांजा है जो कि बलेनो ही है, तो आपको नहीं लगा कि बलेनो ले लेते या फिर इसी से आपका काम हो रहा है? नहीं, हमारा परिवार का जो पसंद है वही ले लिया। हाँ। अंकल का पसंद था, अंकल को ये गाड़ी पसंद है, कलर भी अच्छा था, तो यही ले लिया, और कोई बात नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू कुणाल भाई अपना फुल ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना।